कभी मन में ये बात तेरी आई नहीं, कभी सिनेमा में ऐसी फिल्म आई नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों। शुक्रवार तक यानी कल तक स्त्री ने सिर्फ इंडिया में 327 करोड़ की कमाई कर ली है। और बड़ी खबर क्या है, फिल्म के लेखक नीरेन भट्ट ने कहा है कि स्त्री 2 के अंदर जो श्रद्धा कपूर का किरदार था उस पर हम एक अलग से फिल्म बनाएंगे। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम आपके सामने एक बहुत दिलचस्प जानकारी लेकर आए। और खबर क्या है दोस्तों, स्त्री 2 में श्रद्धा कपूर का किरदार था। और अब तक, जी हां, स्त्री 2 के खत्म होने के बाद भी आप नहीं जानते कि श्रद्धा का नाम क्या था। इनफैक्ट फिल्म के क्लाइमैक्स में राजकुमार राव का जो किरदार था उसके कान में श्रद्धा कुछ कहती हैं, अपना नाम बताती हैं, मगर दर्शकों को अभी भी पता नहीं चला है कि दरअसल श्रद्धा का नाम क्या है। मगर दर्शकों को यह बात पता चल गई है। और बात क्या है, और यह बात बताने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि मैं आपके सामने स्त्री 2 का एक बहुत बड़ा स्पॉइलर अलर्ट बताने वाला हूं। जिन लोगों ने स्त्री 2 नहीं देखी है वो ये शो अभी देखना बंद कर सकते हैं। और वो स्पॉइलर अलर्ट क्या है, फिल्म देखने के बाद यह पता चल जाता है कि जो स्त्री का किरदार होता है यानी जो पिशाचनी होती है, दरअसल श्रद्धा का किरदार उनकी बेटी का होता है। यानी कि इतिहास में, अतीत में एक औरत थी जो एक आदमी से प्यार करती थी और उनकी एक बच्ची होती है, और वो जो बच्ची होती है ना वही श्रद्धा कपूर होती है। और फिर एक दुष्ट आदमी आता है जो उनको मार देता है और श्रद्धा यानी उनकी बेटी कसम खा लेती है कि उस सर कटे से वो प्रतिशोध लेगी। तो यह है बैकग्राउंड कहानी श्रद्धा कपूर की। दोस्तों, पिंक विला को दिए गए इंटरव्यू में नीरेन भट्ट, जो कि राइटर हैं स्त्री के, उन्होंने कहा है कि श्रद्धा कपूर के किरदार पर अब हम एक अलग से फिल्म बनाएंगे। और इसके पीछे की सोच को समझिए दोस्तों। सबसे पहली बात, स्त्री का जो ब्रांड है वो बहुत बड़ा ब्रांड बन गया है, इतना बड़ा जिसकी कल्पना अमर कौशिक ने भी नहीं की थी, इसके डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स ने भी नहीं की थी। शुक्रवार तक इस फिल्म ने कमा लिए 327 करोड़। और आज और कल ये क्या धमाका कर रही कुछ देर बाद बताऊंगा। तो कहने का अर्थ साफ है, फिल्म एक बहुत बड़ी हिट हो गई है। स्त्री 3 आएगी अगले या उसके अगले साल, और यकीन मानिए दोस्तों, जब स्त्री 3 आएगी तो बॉक्स ऑफिस में इससे भी बड़ा तूफान आने वाला है। ऐसे में श्रद्धा कपूर की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ रही है। हाल ही में मैंने आपको खबर बताया था कि इंस्टाग्राम के अंदर उनके फॉलोअर्स देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा हो गए हैं। श्रद्धा सोशल मीडिया पर जो भी बोलती हैं, जो भी करती हैं, वो वायरल हो जाता है। वो हंसती भी हैं, वो भी वायरल हो जाता है दोस्तों। तो कहने का अर्थ साफ है, श्रद्धा की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और लोग जानना चाहते हैं कि स्त्री 2 में जो उन्होंने किरदार निभाया था उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या है, उसकी कहानी क्या है। और दोस्तों, कल्पना कीजिए, अगर यह फिल्म बनती है तो यह एक पीरियड फिल्म होगी, ये राजा महाराजाओं की फिल्म होगी, क्योंकि यह आजाद भारत के इतिहास के पहले की फिल्म है जब देश में राजा महाराजा की प्रथा हुआ करती थी। यानी कि एक पीरियड फिल्म होगी, यानी कि एक दुष्ट राजा होगा जो एक प्रेमी दंपत्ति को मौत के घाट उतारता है, उनकी एक बच्ची होती है जो प्रतिशोध लेती है। एक तरह से कहा जा सकता है एक निहायत ही दिलचस्प कहानी जो इसके जरिए सामने उभर कर आएगी। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि श्रद्धा के किरदार पर दरअसल फिल्म क्यों बन रही है। मैं आपके सामने दो मिसाल देना चाहता हूं। मैं आपको बतला ही चुका हूं कि फ्राइडे तक, जी हां, फ्राइडे तक इस फिल्म ने 327 करोड़ की कमाई कर ली है। अब आज है सैटरडे, संडे और मंडे को है जन्माष्टमी, यानी कि कई जगहों पर छुट्टियां होंगी, धार्मिक मौका है। यानी 3 क्लियर डेज फिल्म जो 327 करोड़ कमा चुकी है दोस्तों, देखिए इस वक्त दिल्ली और आसपास के इलाकों में इसकी एडवांस बुकिंग को लेकर क्या तूफान आया हुआ। देखिए, हर शो फुल दिखाई दे रहा है। ये जो आप ऑरेंज देख रहे हैं ना दोस्तों, इस ऑरेंज का मतलब शो फुल है, हाउस फुल है।
और जहां जहां आप ग्रीन देख रहे हैं यहां पर भी अधिकतर सीट्स भर चुकी हैं, ग्रीन देख रहे हैं वो भी ऑरेंज हो जाएगा और कुछ देर बाद ये ऑरेंज ब्लैक हो जाएगा, यानी हाउस फुल। और हां, ये बात तो दिल्ली और आसपास की है ना, मुंबई में देखिए साहब, मुंबई और आसपास के इलाके, चाहे मुंबई हो, नवी मुंबई हो, भायंडर हो, ठाणे हो, हर जगह फुल, हाउस फुल। यानी कि मान के चलिए कि मंडे आते आते तक ये फिल्म भारत के अंदर 450 करोड़ कमा लेगी। और स्त्री में ना कोई शाहरुख खान है, ना रणबीर कपूर है, ना कोई प्रभास है, कोई नहीं है, फिर भी ये फिल्म झंडे गाड़ रही है। आज मैं एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाला हूं दोस्तों, मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर स्त्री, ध्यान से सुनिएगा, मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर स्त्री भारत के अंदर पठान का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। भारत के अंदर हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई का रिकॉर्ड जवान का है, करीब 645 करोड़ रुपए। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों स्त्री 2 को लेकर जो दीवानगी है, जवान का रिकॉर्ड भी खतरे में आ जाए, मगर उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो बड़ी खबर क्या है, जो श्रद्धा का किरदार है इस फिल्म में, उस पर एक अलग से फिल्म बनने जा रही है। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, यहां फिल्म मेकर्स सिर्फ स्त्री के ब्रांड को नहीं भुना रहे हैं, क्योंकि हुआ क्या है कि स्त्री फिल्म इतनी पॉपुलर हो गई है कि इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में जो स्त्री पार्ट वन है उसे लोग दोबारा देख रहे हैं। इनफैक्ट मेरा तो मशवरा है फिल्म मेकर्स को कि उन्हें स्त्री पार्ट वन फिर से रिलीज कर देना चाहिए। तो न सिर्फ स्त्री को लेकर जबरदस्त उत्सुकता है, बल्कि श्रद्धा कपूर, दोस्तों एक बात बता दूं, इंटरवल से पहले श्रद्धा के सिर्फ 2 सीन्स हैं और इंटरवल के बाद भी वो कोई बहुत ज्यादा स्क्रीन पर नहीं आते हैं, उनसे ज्यादा स्क्रीन पर दिखाई देते हैं पंकज त्रिपाठी और राजकुमार राव। बावजूद इसके श्रद्धा को लेकर लोगों में जबरदस्त दीवानगी है। और क्यों, मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस फिल्म की सुपर हीरो श्रद्धा है। किस तरह से स्त्री की चोटी लगाकर वो सरकटे का मुकाबला करते हैं, मगर सरकटे की ताकत बेतहाशा है। और हां, स्त्री पार्ट 3 में उसकी ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब सरकटे का किरदार निभाएंगे, एंड हियर इज कमिंग अनदर स्पॉइलर अलर्ट, स्त्री 3 में सरकटे का किरदार निभाने वाले हैं अक्षय कुमार। क्योंकि आपको याद होगा पोस्ट क्रेडिट सीन में अक्षय कुमार के पास एक मटकी आती है जिसके अंदर आग होती है, और इस आग के अंदर सरकटे की अस्थियां होती हैं, और अचानक वो जो अस्थियां होती हैं वो अक्षय कुमार के अंदर प्रवेश कर जाती हैं, यानी अक्षय जो कि वंशज है सरकटे का, वंशज है, वो स्त्री पार्ट 3 में एक बड़े विलन के तौर पर उभर कर आने वाले हैं, और अक्षय का मुकाबला होगा श्रद्धा से, राजकुमार राव से। तो कहा जा सकता है स्त्री पार्ट 3 एक बहुत ही दिलचस्प मुकाम पे है दोस्तों, और देखना यह होगा कि दर्शकों में यह किस तरह का तूफान लाती है, क्योंकि अभी से ही स्त्री 2 रुकने का नाम नहीं ले रही है, जनता अभी से कह रही है स्त्री पार्ट 3 लाइए। और फिल्म मेकर्स ने एक और दिलचस्प जानकारी दी है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। क्या आप जानते हैं भेड़िया और स्त्री पार्ट 3 दोनों की स्क्रिप्ट एक साथ लिखी जा रही है? आप जानते हैं स्त्री पार्ट 2 में यानी भाग 2 में आपने वरुण धवन को देखा था, वरुण धवन जो कि इस हॉरर यूनिवर्स में भेड़िया का किरदार निभा रहे हैं, और इसी हॉरर यूनिवर्स में न सिर्फ वरुण धवन का भेड़िया है, मुंजिया भी है, और हां आयुष्मान खुराना आ रहे हैं वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर में। कहना साफ है दोस्तों, ये जो स्त्री यूनिवर्स है वो अवेंजर्स से कम नहीं है, मार्वल वर्स से कम नहीं है। इसके थानोस बनने जा रहे हैं अक्षय कुमार, और जो सुपर हीरोज हैं उसमें राजकुमार राव होंगे, श्रद्धा होंगी, वरुण धवन होंगे, मुंजिया के अभय वर्मा होंगे, और ये सब मुकाबला करने वाले हैं अक्षय कुमार यानी थानोस और मुंजिया से। तो कहा जा सकता है दोस्तों बहुत दिलचस्प होता जा रहा है यूनिवर्स, और दर्शकों में भी इसे लेकर शानदार क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।